पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच ने आले फाटा पुणे में एनसीपी के उप सरपंच के परिवार को बंधक बनाकर उन 50 तोला सोना और 4 लाख नकदी की डकैती के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से कुछ सोना और नकदी भी जब्त की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 आरोपी देवास के थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इनमें देवास के लखन फुलेरी और शुभम मालविया गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके अलावा 3 आरोपी इंदौर के और 1 नासिक का है। अब महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच की टीम ने देवास के 2 ज्वेलर्स के यहां पहुंची और वहां से उन्हें उठाकर भी ले गई। सूत्रों के मुताबिक एक ज्वेलर्स के यहाँ से 90 ग्राम सोना जब्त किए जाने की सूचना है, जबकि दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ से क्या जब्ती हुई इसका खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच के अधिकारी बिना नंबर की इनोवा कार से आए थे। ये लोग देवास के ज्वेलर्स को लेकर अर्जुन बड़ौदा स्थित मां अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट पर लेके गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच अपने साथ किसे ले गई और किसे नहीं, इस बात का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।